अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरी इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर सोया दाल। ये दाल बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये दाल मेरे होम स्टाइल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। यहाँ पर मैंने लिया हाफ कप दाल इस कप से, और 2 कप पानी लेना है इसी कप से। देख लीजिए, दाल को आधा घंटा पहले भिगो देना है, मसूर दाल है ये। और यहाँ पे हमें चाहिए सोया साग, बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, देख लीजिए। यहाँ सोया हमें ज़्यादा लेना है, यानी कि इस कप से हाफ कप लेना है। 1 टीस्पून खड़ा जीरा, 2 पिंच हींग, 4 अदद लहसुन, इसे अच्छे से कूट लेना है। 1 बड़े साइज का प्याज, इसे अच्छे से कट कर लेना है। और हमें चाहिए 2 टमाटर, टमाटर को इस तरह से कट कर लेना है। 3 हरी मिर्च, नमक एज अ टेस्ट, 5 गोलमिर्च है उसे भी कूट लेना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल। एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें डाला है 2 कप पानी, और ये जितने भी आप देख रहे हैं टमाटर, हरी मिर्च, ये सब एक साथ दाल में डाल देना है। इसमें डालना है दाल, और इसमें लगाना है 1 सीटी। दाल को आप पहले से भिंगो कर रखेंगे तब 1 सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दाल आप तुरंत बना रहे हैं तब 2 सीटी तो आपको ज़रूर लगाइएगा, वरना दाल गलेगी नहीं। अब इसे 1 सीटी लगा लेती हूँ। देखिए, दाल इतना ही गला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट इसे हिला लीजिए। देखिए, दाल हमें बस इतना ही गलाना है। अगर आप पहले ही ज़्यादा गला देंगे, उसको मैश करेंगे, तो वो दाल आपका इस तरीके का नहीं दिखेगा। और इसे आप पतला गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है, काफ़ी पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाली हूँ 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। दाल में तड़का लगाना है, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमें डालना है हींग और जीरा। फिर डालना है प्याज, लहसुन, और इसे 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको प्याज मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो प्याज जलेगा नहीं, और जितने भी इसमें जीरा हींग डाला गया है, लहसुन डाला गया है, वो भी नहीं जलेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप प्याज जला देंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूने। प्याज हमें इतना ही फ्राई करना है। अब डालना है सोया, इसे अच्छे से मिला लेना है, और 1 मिनट इसे फ्राई कर लेना है सोया डालने के बाद। जिस वक्त प्याज फ्राई करना है उस वक्त आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, और हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें डाला गया है जीरा, हींग, लहसुन। ज़्यादा देर फ्राई कर देने से, यानी जला देने से, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। दाल में जब हम इसे तड़का लगाएंगे तो दाल की टेस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, 1 मिनट हो चुका है, अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब इसे मैं दाल में डाल देती हूँ, इसे दाल में डाल देना है। इस दाल को मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी दाल। मेरे होम स्टाइल दाल है, इसे अच्छे से मिला लेना है। ये दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे गर्म गर्म चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। सोया दाल बनके रेडी है, देख लीजिए, बहुत अच्छी बनी है, आप इस दाल को ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।